हेलो गाइस, स्वागत है आपका रॉटवेलर वर्ल्ड में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका रॉटवेलर एग्रेसिव हो जा रहा है खेलते खेलते, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए वो खेल रहा है, ठीक है, प्ले करते करते वो बाइट करता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये देखिए पकड़ भी लेता है, ठीक। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ये प्ले बाइट है या फिर वो एग्रेसिवली उनको बाइट कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए पहले, तो कि ये देखिए, ये इतने मतलब प्रेशर से ही बस पकड़ेगा। अगर प्ले बाइट है तो सिर्फ इतने प्रेशर से पकड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा वो कोई चीज़ ऐसा मतलब छिलेगा नहीं, कटेगा नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा आपको लगेगा ज़रूर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो उसके हिसाब से नॉर्मल रहता है, लेकिन हम लोग के हिसाब से वो एक्स्ट्रा हो जाता है। और अगर वो आपको सीरियसली बाइट कर रहा होगा तो वो आपको जब भी पकड़ेगा अपने फुल फोर्स से पकड़ेगा, आपके हाथ या पैर में जहाँ पे भी पकड़ेगा उसके टीथ जो है गड़ जाएंगे और मतलब ब्लड निकल सकता है और आपको मतलब इंजरी हो सकती है उससे। और सेकेंड थिंग कि वो जल्दी छोड़ेगा नहीं, अगर ऐसे उसने कभी किया गुस्से में आके तो फिर वो इतनी जल्दी से नहीं, वो जब तक आपको चोट नहीं पहुंचा देगा तब तक वो छोड़ने वाला नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एकदम ये शांत होकर बैठ गया, सडन जो है इतना बाइट कर रहा था, खेल रहा था, लेकिन सडन शांत होकर बैठ गया। अब फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को कि कैसे क्या किया जाए कि ये तुरंत क्विक एकदम नॉर्मल हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए अब इसने खेलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये भी खेलते खेलते इतना एग्रेसिव होता चला जाता है धीरे धीरे कि बस इसको उसी में प्ले बाइट और सब कुछ, ये फिर कुछ नहीं देखता, ठीक है। देखिए वो देखिए हाथ पकड़ने लगा, उसका पहला काम ही ये है कि खेलते हुए ये देखिए, अब उसकी कोशिश बॉल पे कम है, उसका फोकस है हाथ पकड़ने पे कि वो हाथ कैसे पकड़े बाइट करे। क्योंकि पपीज़ का जो नेचर होता है ये जब आपस में भी खेलते हैं या डॉग्स आपस में भी खेलते हैं तो देखिए वो एक दूसरे को पकड़ के ऐसे ही बाइट करते रहते हैं, ठीक है। अब वो बॉल नहीं खेल रहा, वो हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर जब ऐसा लगने लगे कि अब ये चोट पहुंचा देगा तो आप ऐसे लीज जो उसकी जो भी उसके गर्दन में लीज पड़ी हो, ठीक है, आप उस पर ध्यान रखिए, उससे आपको उसे कंट्रोल करना है। कैसे करना है, जैसे ये लीज पकड़ी, लीज को आप कर दीजिए, बस एकदम भीगी बिल्ली बन गया। फिर आप जैसे ही सेट कमांड बोलोगे वो अपना शांति से तुरंत बैठ जाएगा, चाहे जितना वो इधर उधर उछल कूद कर रहा हो। ये देखिए शांति से बैठ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं और आप इस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। घर पे आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।